जय श्री राम, जय हनुमान, दोनों की जय। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं दुर्गा चालीसा के बारे में। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे दुर्गा चालीसा के शब्दों का एक एक अर्थ। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस अर्थ को समझेंगे और दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज दुर्गा चालीसा के शब्द अर्थ। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की और जय दुर्गा मैया की जय, कृपा करो। देखिए शुरुआत होती है नमो नमो, नमो नमो दुर्गे सुख करनी। देखिए नमो नमो का मतलब होता है जय हो, जय हो माँ। तो नमो का अर्थ हुआ जय हो, जय हो। दुर्गे सुख करनी, दुर्गे मतलब दुर्गा माता और सुख करनी मतलब सुख देने वाली। तो यहां पे इसके रचयिता ये कहते हैं कि जय हो दुर्गा माँ, आप तो सुख देने वाली माँ हैं। और फिर लिखा है नमो नमो अम्बे दुख हरनी। तो नमो नमो तो स्पष्ट है मतलब जय हो अम्बे, अम्बे माँ को कहा गया है। और दुख हरनी मतलब दुख को हरने वाली। तो स्पष्ट हो गया यहाँ पे पहली लाइन नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, मतलब जय हो माँ, आप तो सुख देने वाली हैं और आप भक्तों का दुख हरने वाली हैं। निराकार है ज्योति तुम्हारी। देखिए निराकार मतलब होता है और ज्योति मतलब होता है कि जो आपका जो यश है वो उसका कोई आकार नहीं है और आपका यश हर जगह फैला हुआ है। तो निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूं लोक फैली उजियारी। इसका मतलब होता है तिहूं मतलब तीनों, लोक फैली उजियारी, इसका मतलब हुआ कि माँ आपकी ज्योति से या आपके प्रताप से इस पूरे लोक का जो अंधकार है वो खत्म हो गया है, या कहिए इस तीनों लोक का अंधकार खत्म हो गया है। आगे लिखते हैं शशि ललाट मुख महाविशाला। देखिए शशि मतलब चंद्रमा होता है और ललाट मतलब होता है मस्तक और मुख महाविशाला। तो यहाँ पर रचयिता ये कहते हैं कि आपका जो चेहरा है वो विशाल है और चंद्रमा के समान है और नेत्र लाल और भ्रुकुटी विकराला। और कहते हैं कि जब आप गुस्से में होती हैं तब आपके नेत्र लाल हो जाते हैं और भ्रुकुटी मतलब जो आपके माथे पे बल पड़ जाते हैं विकराला, और बहुत ही विकराल दिखती अपने दुश्मनों को। आगे लिखते हैं रूप मातु को अधिक सुहावे। और अपने भक्तों के लिए माँ का रूप जो है सुहावे मतलब बहुत अधिक अच्छा है। और अगर दर्शन होते हैं भक्त को माँ के तो भक्त बावला हो जाता है माँ के दर्शन पाके। आगे लिखते हैं दर्श करत जन अति सुख पावे। देखिए दर्श मतलब होता है दर्शन और करत मतलब करके। तो दर्शन करके जन जो है मतलब जो भी व्यक्ति उनके दर्शन कर लेता है वो बहुत ही सुख पाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है और उसको कोई दुनिया में चाहत नहीं रहती जब वो माँ के दर्शन कर लेता है। आगे लिखते हैं तुम संसार शक्ति लय कीना। ये कहते हैं कि तुम संसार शक्ति लय कीना, इसका मतलब होता है कि माँ, माँ आप ही संसार की शक्ति है और पालन हेतु अन्न, पालन हेतु अन्न धन दीना। और पालने हेतु अन्न है धन है वो आप ही देने वाली है माँ। तो इस प्रकार से आगे लिखा है अन्नपूर्णा हुई जग पालन, जग पाला। तो माँ आप अन्नपूर्णा है मतलब अन्न देने वाली है और जग पाला मतलब माँ आप जग को पालने वाली है। और तुम ही आदि सुंदरी बाला, और तुम ही आदि, आदि मतलब होता है ये किसी को नहीं मालूम है कि आप, आपका जन्म कब हुआ है और आप बहुत ही सुंदर हैं
और बाला का मतलब होता है कि आपकी उम्र बहुत ही कम है। फिर लिखते हैं कि प्रलय काल सब नाशन हारी, और जब प्रलय काल होता है और जब सब कुछ नाश हो जाता है, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, या ये भी हम कह सकते हैं कि प्रलय काल सब नाशन हारी, और प्रलय काल में सबका नाश आप ही करने वाली हैं माँ, और तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, और आप गौरी मतलब पार्वती माँ है, और आप शिव शंकर भगवान की बहुत ही प्यारी हैं, और शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, और शिव योगी मतलब भगवान शिव जो बहुत बड़े जो सबसे बड़े योगी हैं इस ब्रह्मांड के, वो भी आपके गुण गाते हैं, और ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, और जो ब्रह्मा जी हैं और विष्णु भगवान हैं वो भी आपका आपका ध्यान जरूर करते हैं। फिर लिखा है रूप सरस्वती को तुम धारा। अब यहाँ पे बताया गया है कि माँ आप ही सरस्वती हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, जो आगे लाइन मिलेगा आपको अभी। तो यहाँ कहते हैं कि रूप सरस्वती को तुम धारा, आप ही ने माँ सरस्वती माँ का रूप धरा, और देश बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, और ऋषि मुनिन मतलब मुनियों को सुबुद्धि मतलब उनको अच्छी बुद्धि देकर उबारा मतलब उनके सब कष्ट दूर किए आपने। फिर कह रहे हैं कि धरा रूप नरसिंह को अम्बा, और माँ आप ही का रूप था नरसिंह का, मतलब आप ही ने माँ नरसिंह का रूप धर के, और प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, और माँ आप ही ने नरसिंह का रूप धरा, और आप खम्बा जो फाड़ के जो प्रकट हुई थी नरसिंह के रूप में, और रक्षा कर ही प्रह्लाद बचायो, और आपने रक्षा करके आपने प्रह्लाद को बचा लिया, और हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो, और माँ आप ही ने नरसिंह भगवान का रूप धर के हिरण्याकश को स्वर्ग पठाया, मतलब हनुमान को स्वर्ग भेज दिया या उसका संहार कर दिया। फिर कहते हैं कि लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, आप ही माने आप ही माँ लक्ष्मी जी का रूप है जो जग में रखा है आपने, और श्री नारायण अंग समाये, और आप लक्ष्मी माँ के रूप में श्री नारायण जी की आप पत्नी बनी, और क्षीर सिंधु में करत विलासा, और जैसे आपको मालूम है कि क्षीर सिंधु वो जगह है मतलब जो क्षीर सिंधु मतलब जो दूध का समुद्र है जहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ रहती हैं, तो उसी कहते हैं कि क्षीर सिंधु में करत विलासा, और आप जो आप लक्ष्मी माँ का रूप में आप भगवान विष्णु के साथ क्षीर सिंधु में रह रही हैं मतलब दूध के सागर में रहती हैं, और दया सिंधु दीजे मनासा, दया सिंधु मतलब आप दया का सागर हैं, दया मतलब स्पष्ट है सिंधु मतलब सागर, तो आप दया का सागर हैं, दीजे मन आशा, आशा मतलब कि आप ऐसे मन को आशा देती हैं कि जो मन बिल्कुल बुझ गया है, या जो व्यक्ति सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा है, अगर वो आपकी पूजा करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें जीवन में बहुत बड़ी आशा मिल गई है, और वो लगातार पूजा करते हैं तो उनको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। आगे देखिए लिखते हैं हिंगलाज में तुम ही भवानी। देखिए हिंगलाज ये जगह जो है पाकिस्तान में है, और ये कहा जाता है कि वहां पे भी सती माँ का अंग गिरा था, तो वो एक शक्तिपीठ है, तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया है रचयिता ने। कहते हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। तो महिमा आपकी अमित है, अमित मतलब अनंत, मतलब आपकी महिमा अनंत है कि जिसको कोई समझ सकता नहीं कि आपकी महिमा कितनी ज्यादा हो रही है। न जात बखानी, उसको 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 बखान मतलब उसको व्याख्यान करना बेकार है। और फिर कहते हैं मातंगी अरु धूमावती माता, मातंगी मतलब मातंगी माता, अरु मतलब और धूमावती माता मतलब जो रूप है माँ का धूमावती, और भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, और आपका एक रूप भुवनेश्वरी माँ है, आपका एक रूप बगला मुखी है, तो ये सब सुख देने वाले आपके रूप हैं। श्री भैरव तारा जग तारणी, और ये कहते हैं कि जो भैरव जी हैं वो भी मतलब वो भी उपस्थित होते हैं जहाँ पर आप जाती हैं, और आपका जो तारा का रूप है वो जग को तारणी, जग तारणी मतलब कि वो जग को तर देता है, या ये कहिए कि जो भी पूजा करता है वो उसको सब कुछ मिल जाता है, और जब अपने अंतिम समय वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी लिखा है श्री भैरव तारा जगतारणी,
और छिन्न भाल सब दुख निवारणी। और छिन्न भाल मतलब होता है छिन्नमस्ता माँ के बारे में यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि ये दुर्गा माँ का एक रूप छिन्नमस्ता भी है, जिसमें ये दिखाया गया है कि माँ का गला नहीं है, माँ अपना खुद ही, माँ ने अपना गला खुद ही काट लिया है और उसमें से जो रक्त निकल रहा है और उसमें जो रक्त है वो उनकी दोनों सखियां पी रही हैं, ऐसा रूप है छिन्नमस्ता माँ का। तो वही यहाँ पर कहा है कि माँ जो छिन्न भाल, भाल मतलब मस्तिष्क होता है, तो कहते हैं कि माँ आपका एक छिन्नमस्ता या छिन्न भाल वाला भी एक रूप है और सब दुख निवारणी। अगर कोई भी पूजा करता है इस रूप में आपकी, तो आपके सब दुख निवारणी, मतलब सब दुख आपके निवारणी, मतलब कि सब दुख उसमें खत्म हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कर्मे माफ करिएगा केहरी वाहन सुह भवानी। केहरी मतलब होता है सिंह, तो सिंह आपके वाहन है। सुह भवानी जिसपे भवानी माँ बहुत, सो मतलब बहुत अच्छी लगती है आप सिंह बैठी हुई। और लांगूर वीर चलत अगवानी, देखिए लांगूर वीर यहाँ पर हनुमान जी को कहा गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जहाँ पे माँ का या माँ होती है वहां पे भैरव बाबा हनुमान जी जरूर होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, इसीलिए कहा है लांगूर वीर चलत अगवानी। अगवानी मतलब कि वो आपके आगे आगे चलते हैं, जैसे कि वो आपकी रक्षा कर सके। फिर कहते हैं कर में, कर मतलब हाथ में, खप्पर खडग विराजे। देखिए देख खप्पर का देखिए मतलब होता है माँ के हाथ में, या कहिए कि एक ऐसी हड्डी है, सर की हड्डी, सर है जो खोखला है, जिसमें माँ दुश्मनों का रक्त पीती है। और एक और भी इसका निकलता है खप्पर मतलब, या नारियल को जब नारियल का जो सफेदी होती है साफ कर लीजिए, जो उसका कड़ा भाग बचता है उसे भी खप्पर कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ आपके हाथ में खप्पर है और खड़ग है। देखिए खड़ग क्या होता है, देखिए खड़ग जो है वो तलवार नुमा होता है, पर तलवार में एक ही धार होती है, पर खड़ग में धार दोनों तरफ होती है। तो ये फर्क है खड़ग और तलवार का। तो इसी लिखा है उनके हाथ में खप्पर भी है और खड़ग भी है विराजे, विराजे मतलब उनके हाथ में उपस्थित है। और जाको देख काल डर भागे, और कहते हैं जिसको देखकर काल भी डर के भाग जाता है। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, उनके हाथ में अस्त्र है और त्रिशूल भी है। और जाते उठत शत्रु ही है सूला, और जब वो जो उठाती है अपने माँ अपने अस्त्र को, जो शत्रु ही है, ये मतलब शत्रु हृदय में भी एक बहुत ही परेशानी उत्पन्न हो जाती है कि अब मेरा क्या होगा, ऐसा शत्रु सोचता है। नगर कोट में तुम्ही विराजत, इसका मतलब ये नगर कोट नामक जगह में माँ आप ही विराजती है। और तिहू लोक में डंका बाजत, और तिहू मतलब तीनों लोक में, डंका मतलब तीनों लोक में आपका नाम है माँ, और आपकी आपकी पूजा और स्तुति हर जगह तीनों लोक में होती है। और शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे, अब कहते हैं कि रचयिता कि माता आप ही वो हो जिसने शुम्भ निशुम्भ नाम के दानव मारे थे। और रक्त बीज शंखन सहारे, और रक्त बीज और शंखन नाम के राक्षसों का भी संहार किया था। महिषासुर नृप, महिषासुर मतलब जो महिषासुर राक्षस था, और नृप मतलब राजा, तो महिषासुर राजा था। अति अभिमानी मतलब अभिमानी मतलब घमंडी था, वो बहुत ही अधिक घमंडी था। जही अघमार मही अकुलानी, और अघ मतलब जही अघभार मही अकुलानी, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो मही मतलब होता है पृथ्वी, तो उसके भार से मतलब दुष्ट के भार, अघ मतलब अघमार मतलब उस दुष्ट के भार से जो यहाँ जनजीवन था धरती पर, या धरती माती को बहुत ही परेशान हो गई थी इस महिषासुर दुष्ट के कारण, तो उस महिषासुर को माँ आप ही ने मारा था। आगे कहते हैं रूप कराल काली का धारा, और माँ आप ही है जिन्होंने रूप जो काली माँ का धारा, देखिए रूप कराल, कराल मतलब भयानक, काली का धारा, धारा मतलब धारा, आपने भयानक रूप एक काली माँ का धारा। और सेन सहित तुम तिह सहारा, और सेना सहित आपने सबका संहार कर दिया। और परिगाढ़ संतन पर जग, गाढ़ मतलब परेशानी, तो जब भी संतन पर मतलब जब भी आपको जो पूजा करते हैं, जो आपके अनुयायी हैं, वो जब पूजा जो अगर परेशानी होती है उनके ऊपर, तो आप ही उस परेशानी से बचाती हैं। इसी लिखा है परिगाढ़ संतन पर जब तब भई सहाय मातु तुम तब तब, और सहाय मतलब माँ तभी आप ही ने सहायता करी माँ जब भी आपके भक्तों पर कोई परेशानी पड़ी है। आगे लिखते हैं अमरपुरी अरुबासव लोका, देखिए अमरपुरी देवताओं का लोक है जहाँ माँ वास करती है।
हाँ, तो अमरपुरी अरु वासव लोक का मतलब, अरु अमरपुरी में आपका आपका घर है, आपको मतलब श्लोक में आपका घर है। और तब महिमा सब रहे अशोका, और सब जितनी महिमा है सब रहे अशोका, मतलब महिमा जो है आपकी अपरंपार है माँ। फिर लिखते हैं ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, और ज्वाला देवी जो पहाड़ों पे हैं तो वहां पर माँ आप ज्योति के रूप में हमेशा जलती रहती हैं, और तुम्हें सदा पूजे नर नारी, और मैया आपको हमेशा नर नारी पूजते रहते हैं। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, कहते हैं कि प्रेम भक्ति से जो यश गावे, मतलब जो आपका यश गाता है प्रेम और भक्ति से, तो दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है तो ना तो उसके पास दुख आता है और ना वो कभी दरिद्र होता है। आगे लिखते हैं ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, ध्यावे मतलब ध्यान, तुम्हें जो मतलब आपको जो नर मन लाई, मतलब जो भी नर मन से आपका ध्यान करता है, तो ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण ताको छुट जाई। तो जन्म मरण ताको छुट जाई मतलब जन्म मरण से के वो बंधन से मुक्त हो जाता है, मतलब उसको कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इसका अर्थ यह कि इसका अर्थ ये हुआ कि माँ जो भी आपका ध्यान मन से करता है या जो भी आपकी पूजा मन से करता है, तो उसका वो इस पृथ्वी लोक पर वापस नहीं आता है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर लिखते हैं जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, और चाहे जोगी हो चाहे सुर हो, सुर मतलब देवता हो चाहे मुनि हो, सब आप ही को पुकारते हैं। और योग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी, और कहते हैं बिना शक्ति के आपकी मतलब कोई भी योगी नहीं बन सकता है, ऐसा माँ आपकी कृपा है। और शंकर आचरज तब कीनो, शंकर आचरज मतलब होता है आचार, तो शंकराचार, शंकराचार आचरज मतलब शंकराचार ने जब तप किया था। देखिए शंकराचार्य जी थे वो बहुत बड़े भगवान शिव के भक्त थे, और जो कहानी यहाँ पर आगे आ रही है उसमें ये कहा गया है कि जब शंकराचार्य ने तप किया भगवान शिव का, इतना तप किया तब भी उनको उनको कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकी। तब उनको समझ में आया कि अगर जब भी अगर हम माँ पार्वती की पूजा नहीं करेंगे, और जैसे उन्होंने माँ पार्वती की पूजा करी उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखते हैं कि शंकर आचरज तप कीनो, मतलब शंकर आचरज शंकर आचार या शंकराचार्य ने तप किया, काम अरु क्रोध जीत सब लीन, उन्होंने काम और क्रोध सब जीत लिया। और निशदिन ध्यान करो शंकर को, और निशदिन मतलब वो सुबह शाम हमेशा ध्यान शंकर जी को करते रहे, और काहू काल नहीं सुमरो तुमको, पर उन्होंने कभी आपको नहीं सुमरा, मतलब कभी दुर्गा माँ या पार्वती माँ की उन्होंने कभी याद नहीं किया ना पूजा करी। तो शक्ति रूप को मरम न पायो, जब उन्होंने नहीं करी तो शक्ति रूप उनको नहीं मिली, का मरम न मतलब शक्ति रूप का उन्हें समझ नहीं आया, और शक्ति गई तब मन पछताये, और जब क्या हुआ कि जब उनकी शक्ति सब चली गई तब वो बहुत पछताए। और शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, तो शरणागत हुई मतलब जब वो आपके शरण में आए तो उनकी कीर्ति बढ़ गई और भगवान शंकर के बहुत ही प्रिय हो गए शंकराचार्य जी। और शक्ति गई तब मारते शरणागत हुई कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, और जय हो मैया आपकी इतना प्रभाव है माँ की, जैसी ही शंकराचार्य जी ने आपका नाम जपा तो भगवान शिव को सब कुछ प्राप्त हो गया और वो भगवान शिव के प्रिय हो गए। आगे लिखते हैं कि भाई प्रसन्न अधि जगदम्बा, और जब देखा उन्होंने कि वो शंकराचार्य उनकी पूजा कर रहे हैं तो जगदम्बा माँ प्रसन्न हो गई, और दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, उन्होंने शक्ति दे दी उनको शंकराचार्य जी को बिना विलंब मतलब बिना देर करे, उन्होंने शक्ति उनको प्रदान कर दी। अब यहाँ पर कहते हैं रचयिता कि मोको मातु कष्ट अति घेरो, हे मैया मुझको कष्ट ने बहुत घेर रखा है। और कहते हैं जय जय मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मोरो, कहते हैं कि और आपके बिना कौन है जो मेरा दुख हर सकता है, मतलब माँ आप ही हैं जो मेरा दुख हर सकती हैं। और आशा तृष्णा निपट सतावे, कहते हैं मैया बहुत आशा है और तृष्णा मतलब बहुत सारी इच्छाएं मेरे अंदर वो सताती हैं मुझको माँ। और मोहि मदादिक सब विनाशावै, और मोह है और मदादिक मतलब घमंड है वो अब सबका विनाश करती है माँ, तो सब कुछ विनाश करके जितने मेरे अंदर बुराइयां हैं सबका विनाश कर दीजिए माँ, जैसे माँ मैं आपका ध्यान मन से कर सकूँ। आगे लिखते हैं कि शत्रु नाश कीजिए महारानी, जितने मेरा शत्रु है उनका नाश कर दीजिए महारानी। और सुमरो एक चित्त तुम्हें भगवान, एक चित्त मतलब मन से और एक चित्त से मतलब सुमरो मतलब हृदय से, एक चित्त से मैया मैं आपका ध्यान करता हूँ। और अब करो कृपा है मातु दयाला, हे मातु दयाला, हे
हे माता आप जो दयालु हैं मरो कृपा करो करो मेरे ऊपर और रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। ये कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, अब उनको रिद्धि दीजिए सिद्धि दीजिए और मुझको सब कुछ दे दीजिए माँ। और जब लागी जियो दया फल पाऊ, और जब आपका मैं दया फल पा के जीऊंगा और तुम्हारो यश में सदा गाऊं, मैं आपका यश जिंदगी भर गाता रहूंगा। और दुर्गा चालीसा जो नित्य गावे, और दुर्गा चालीसा जो भी लगातार गाता है, और सब सुख भोग परम पद पावे, और वो सब सब सुख उसको मिलते हैं और वो सबको जीवन में प्राप्त करता है। और जब जब उसकी मृत्यु होती है तो आप ही के पास वो चला आता है वहां। और देवी दास शरण निज ज्ञानी करूं कृपा जगदम भिवानी, यहाँ लगता है कि देवी दास जी जो है वो इसका चाहता है शरण निज ज्ञानी और करूं कृपा जय जगदम्बा भवानी, और पीछे कहते हैं कि जगदम्बा भवानी आप हम पे कृपा करिए। तो देखिए ये मैंने बताया आपको कि ये जो हमने आपको शब्द बताए हैं यहाँ दुर्गा चालीसा के, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे जो वीडियो लाऊंगा कि जो जो भी हमारे वेद है पुराण है मंत्र है सबसे सब में सब चीज आपको मिल जाएगी मेरे वीडियो में। और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा मेरा हर वीडियो। तो चलिए मुझको आज्ञा दीजिए, जय श्री राम, जय भगवान, जय हनुमान बाबा, जय दुर्गा माता की कृपा।